हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हीरो फोन के बारे में। तो हीरो फोन क्या होता है भाई? हीरो फोन वो फोन है जो कि आता है तकरीबन 5 से 15 हजार तक, यानी कि इससे ऊपर वो फोन नहीं होना चाहिए। इसके अंदर सबसे बढ़िया हार्डवेयर होना चाहिए कंपटीशन के हिसाब से, उसके बारे में और बताऊंगा मैं। दूसरी चीज, इस फोन के अंदर सबसे बढ़िया एग्रेसिव प्राइस होनी चाहिए। तीसरी चीज, इस फोन के अंदर कैमरा अच्छा होना ही चाहिए। हार्डवेयर और कैमरा, इन दो चीजों पे ही फोन बिकता है इंडिया में आजकल, और ये बात बिल्कुल सच है। इसीलिए मैंने हार्डवेयर और कैमरा दोनों इंक्लूड किए हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि क्वालिटी है हीरो फोन की, और वो है स्टॉक एंड्रॉइड यूआई। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे एक एक करके ब्रांड्स की, और यहाँ पे मैं सबसे बड़ा नाम लेने वाला हूँ जो कि हीरो फोन के साथ आते हैं, और ये ब्रांड का नाम है वन प्लस। हालांकि ये प्राइस सेगमेंट थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये फोन हीरो फोन कहलाने लायक है। जी हाँ, वन प्लस का वन प्लस 6 फिलहाल इंडियन मार्केट में है। ये कंपनी एक बार में एक ही फोन लॉन्च करती है, एक ही फोन बेचती है, और वो फोन लोगों को बहुत पसंद आता है। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा Xiaomi का, और ये कभी भी अपनी प्राइस से लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करते, हालांकि अपनी फ्लैश सेल से जरूर कर देते हैं। तो यहाँ पे Xiaomi का जो हीरो फोन है फिलहाल मार्केट के अंदर, वो है Redmi Note 5 Pro। अगला जो ब्रांड है यहाँ पे वो है Asus। Asus ने लॉन्च किया Zenfone Max Pro M1। अब Zenfone Max Pro M1 की अगर मैं बात करूं तो ये फोन बिल्कुल वही हार्डवेयर के साथ आता है जो कि एक और हीरो फोन में है, जिसका नाम मैंने अभी लिया था, यानी कि Redmi Note 5 Pro। लेकिन फिर भी Zenfone Max Pro M1 बिक रहा है, क्योंकि ये और भी एग्रेसिव प्राइस पे है। साथ ही साथ Asus ने अपना स्टॉक एंड्रॉइड UI दिया इस फोन के अंदर, अपने वाला Zen UI नहीं दिया। स्टॉक एंड्रॉइड UI इसीलिए दिया क्योंकि उन्हें पता है कि Zenfone Max Pro M1 के अंदर जो हार्डवेयर है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे रिजल्ट्स तभी निकलेंगे जब उसमें स्टॉक एंड्रॉइड UI होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जिन्होंने कभी हीरो फोन निकालने की सोची नहीं, और मैं बात कर रहा हूं यहां पे ओप्पो और वीवो की। ओप्पो और वीवो की, तो वीवो का तो कोई हीरो फोन है ही नहीं, लेकिन ओप्पो का एक हीरो फोन है जो कि ओप्पो के नाम से नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था। तो वो है एक नया ब्रांड, ओप्पो का एक सब ब्रांड है जिसका नाम है रियलमी। तो रियलमी में रियलमी 1 करके एक फोन है जो कि बिल्कुल सस्ता भी है, बढ़िया भी है, टिकाऊ भी है। हालांकि उस फोन के अंदर कुछ इश्यूज भी हैं, ओवरऑल देखा जाए तो फोन की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, और ऐसे में रियलमी 1 डेफिनेटली हीरो फोन कहलाने के लायक है क्योंकि उसके अंदर अच्छा हार्डवेयर भी है, कैमरा अच्छा है, और साथ ही साथ एग्रेसिव प्राइस भी है। तो ऐसे में देखा जाए तो तीन चीजें यहाँ पे हैं हीरो फोन के हिसाब से रियलमी 1 में, लेकिन जो एक चीज इतनी अच्छी नहीं है वो ये है कि इसमें स्टॉक एंड्रॉइड UI नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं दो और ऐसे ब्रांड्स की जो कि मार्केट में है, पॉपुलर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल थोड़ा सा मशक्कत चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा लेजी ब्रांड की पहले, जिसका नाम है नोकिया। और नोकिया का रॉकस्टार फोन यानी कि हीरो फोन आ सकता है इंडिया में, जिसका नाम है नोकिया X6। आई होप कि 15,000 तक ही प्राइस करें उसे, अगर उससे ऊपर प्राइस कर दिया तो डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगी। नोकिया X6 के अंदर आपको बढ़िया हार्डवेयर मिल जाता है, बेस्ट हार्डवेयर, साथ ही साथ अगर इसकी एग्रेसिव प्राइस रही तो ये हीरो फोन कहलाने के लायक है। तीसरी चीज, इस फोन के अंदर कैमरा अच्छा है, नोकिया 6 का कैमरा हमने टेस्ट भी किया है तो उसके रिजल्ट्स मुझे अच्छे देखने को मिले, और UI अगेन बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड जैसा है। तो ऐसे में नोकिया X6 बिल्कुल बन सकता है हीरो फोन नोकिया के लिए, जो कि थोड़ा सा लेजी ब्रांड है क्योंकि ये देर से लाते हैं प्रोडक्ट अपने। चलिए बात करते हैं एक और ब्रांड की जो थोड़ा सा जिद्दी ये ब्रांड है, और इसका नाम है ऑनर। ऑनर का एक फोन आया था पिछले कुछ समय पहले जिसका नाम है ऑनर 9 लाइट। वो फोन तो सस्ता है, लेकिन उस फोन का ओवरऑल देखा जाए तो हार्डवेयर इतना मजेदार नहीं है। उस फोन की जो प्राइस है वो एग्रेसिव है, कैमरा अच्छा कह सकता हूँ मैं, बहुत बढ़िया नहीं कह सकता हूँ, और स्टॉक एंड्रॉइड UI तो उसमें है ही नहीं। तो ऐसे में देखा जाए तो ऑनर 9 लाइट तो हो नहीं सकता, लेकिन ऑनर को डेफिनेटली सख्त ज़रूरत है एक ऐसे फ़ोन की जो कि फ़ोन के अंदर वो दे बेस्ट हार्डवेयर। मुझे हिसाब से उनको क्रेन वगैरह देना बंद कर देना चाहिए, कम से कम एक फ़ोन में तो स्टॉक एंड्रॉइड दे दो, ताकि कम से कम लोग जो हैं ब्रांड को और अच्छे से परसीव करें। ऑनर को डेफिनेटली एक नए फ़ोन की ज़रूरत है जो कि हो सकता है उनका हीरो फ़ोन, उसके अंदर बेस्ट हार्डवेयर होना चाहिए, और साथ ही साथ कैमरा अच्छा दे दो, साथ ही साथ प्राइस एग्रेसिव दे दो, और स्टॉक एंड्रॉइड UI दे दो। तो ऐसे में ब्रांड्स को समझ लेना चाहिए उनकी मार्केट पोजीशन क्या है, और उसके हिसाब से उन्हें कुछ स्ट्रांग डिसीजन लेने चाहिए, ताकि अपना एक हीरो फोन आप लोग बना लें और जनता के बीच में आप हीरो बन जाएं, या बनने की कम से कम कोशिश करें। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दो, और अपने कमेंट्स, अपने सजेशन जरूर लिख देना नीचे, ताकि मैं आप लोगों की राय तो जान सकूं। मैं तो अपनी तरफ से बोल रहा था जो मुझे लगता है, आप लोग क्या सोचते हो वो तो बता दो। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।